मनोज भैया से एक सवाल है, जो कि जो टेक्निकल मनोज के नाम से जो चैनल बनाए थे, वो इसका जो अपने से ये हैक करवाए हैं, उसके बारे में हम इससे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आखिर में ऐसा क्यों किया? तो फ्रेंड्स, मैंने खुद का चैनल खुद से ही हैक करवाया था इसका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम मनोज दे के पास आए हैं मिलने के लिए, और उनसे आज बात करेंगे, और कुछ मन का सवाल है जो हम आज निकालेंगे मनोज दे भैया से। चलिए देखते हैं क्या क्या हम सवाल निकाल पाते हैं आज। और ये वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत मज़ा होने वाला है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सबका इनके चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो अभी भाई आए हैं मेरे से मिलने के लिए, और मिल कहाँ पर रहे हैं? पेड़ के नीचे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी भैया आए थे इधर कुछ काम से अपना, ठीक है, इनका रिलेटिव से कुछ अर्जेंट काम से आए थे। उसे भी अभी लॉकडाउन पे बाहर निकलना तो मना है, लेकिन कुछ अर्जेंट काम से आए थे तो आ गए मेरे पास भी मिलने, क्योंकि बगल पे ही आए हुए थे। तो अभी भाई आए हैं मेरे से मिलने के लिए, और मैं घर के बाहर ही खड़ा था। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनका मैंने चैनल कंटेंट देखा तो बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, जो कि फ़ायदेमंद यूजफुल वीडियोज़ हैं। ठीक है, एक मतलब नॉर्मल आदमी के लिए वीडियोज़ का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, अभी भाई जो है जिस तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, तो इनका चैनल भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, लेकिन ये कभी रेगुलर बने हुए नहीं है चैनल पर। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे भी वीडियोज़ है जो कि कोई काम का नहीं है, जो चैनल से सूटेबल नहीं है। तो इनको मैंने बताया कि थोड़ा बहुत आप जो टॉपिक पर पकड़े हुए हैं उसी को नीच को पकड़ते हुए काम कीजिए, और उसी तरह के वीडियोज़ बनाते रहिए, तो इनका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। वैसे भी अभी 2000+ सब्सक्राइबर्स है ना। बाकी बताइए, आपको हम कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से रिलेटेड। आज हम मनोज भैया से एक सवाल है, जो कि जो टेक्निकल मनोज के नाम से जो चैनल बनाए थे, वो इसका जो अपने से ये हैक करवाए हैं, उसके बारे में हम इससे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आखिर में ऐसा क्यों किया? सो फ्रेंड्स, मैंने खुद का चैनल खुद से ही हैक करवाया था। इसका रीजन सिर्फ इतना था कि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था कि आखिर हैक होता कैसे, वो लोग करते कैसे, ताकि मैं जब खुद कर पाऊंगा, करवाऊंगा, उसको एक्सपीरियंस करूंगा, तो मैं सोचा मैं अपने ऑडियंस के साथ उसको शेयर कर सकता हूँ कि आखिर चैनल हैक कैसे होता है। बस इतना ही दरअसल रीजन था, और अभी चैनल मेरा हैक है, नाम चेंज। मनोज दे भैया ने अपना ही खुद को चैनल को हैक करवा दिया लोगों को सिखाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि भैया कितनी मेहनत करते हैं अपने वीडियो को बनाने के लिए, और अपने वीडियो को बनाने के लिए जो उसका पुराना चैनल था टेक्निकल, वो चैनल को हैक करवा दिया है, और लोगों को बता रहा है कि किस तरह से चैनल हैक करता है, जो भी हैकर्स लोग हैं। अब भैया हम जानना चाहते हैं कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो मेरा स्टडी तो वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन फ्रेंड्स मैंने अपना गांव जो है, मेरा घर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मेरे जो है 6th क्लास तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल पे ही पढ़ाई की है। ठीक है, 10th तक, सॉरी, तो 10th यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पास होने के बाद मैं यहाँ से साइंस लेकर के फिर इंटर पास किया। ठीक है, 12th कम्प्लीट, उसके बाद मैंने ITI किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोल के जो है ये होता है, डिग्री होता है, वो ITI भी मेरा कम्प्लीट है, 3 साल का कोर्स था वो, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, उसके बाद गाइस मैंने ग्रेजुएशन किया, और मैंने ग्रेजुएशन पे भी एडमिशन लिया है। ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट तक करने के बाद स्टॉप, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा आप लोगों को प्यार मिल गया और मेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो पढ़ाई तो अभी अगर मैं करंटली बताऊँ तो मेरा स्टॉप है। ठीक है, ग्रेजुएशन सेकंड पार्ट तक करने के बाद बंद कर दिया मैं पढ़ने। अब अगला सवाल है मनोज भैया से कि इसके मन में और दिल में कब से आया कि ये यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और इसका इच्छा कब से आया, ताकि यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया है, और उसके बारे में कुछ बता दीजिए मुझे। सो फ्रेंड्स, मेरे मन में यूट्यूबर बनने का सपना आया था, वो बैक में थोड़ा दिखा, एक दुकान है, दुकान की तो वो जो दुकान देख रहे हो भाई, उस वो दुकान मेरा पहले टेलीकॉम शॉप था। ठीक है, अभी वो दुकान मैं रहता नहीं हूँ, मैं पहले खोलता था, अभी वो दुकान जिसका घर है वहीं चला रहा है, वहाँ टेलीकॉम शॉप था, मैं वहीं पे काम करता था। तो वहाँ पे मैं थोड़ा, जो भाई अभी काम करते हैं वहीं काम करता था, आधार कार्ड से रिलेटेड, राशन कार्ड निकालना, आधार कार्ड निकालना, मतलब डिजिटली जितना भी वर्क होता है। तो वहाँ पर करते करते मेरा यूट्यूब पे भी, मैं बहुत दिन भर यूट्यूब पे भी वीडियो जो देखता था, मूवी देखता था, वहीं से मुझे एक वीडियो मिला कि यूट्यूब से भी आप जो है चैनल बना करके, अच्छा खासा वीडियो बना करके पैसे कमा सकते हो। तो बस वहीं से मेरा मन में आया कि चलो मैं भी यूट्यूब पे कुछ करता हूँ, और एक्चुअली नॉलेज भी था फोन से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, टैक से रिलेटेड। तो बस इसी तरह से मैंने एक चैनल खोला था, टेक्निकल मनोज, जो कि अभी तो है नहीं फिलहाल। अभी मनोज जी चैनल आप सबके सपोर्ट से बहुत अच्छा खासा चल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप का ही वीडियो था, आप लोग उम्मीद करूँगा पसंद आई है, दो चार क्वेश्चन किए हैं भाई मेरे से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर भाई के आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को प्रेस करके इनको सपोर्ट जरूर करना। वीडियोज अच्छा बनाते हैं, आगे भी अच्छा बनाते रहेंगे ना, सजेशन लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो चैनल को सब्सक्राइब, अब रेगुलर वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।